अब हम औषधि के सक्रियता के आधार पर इसको कितने वर्गों में बांटा गया है ये देखेंगे। पहला वर्ग है एगोनिस्ट और दूसरा वर्ग है एंटागोनिस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे एगोनिस्ट। ये जो एगोनिस्ट वर्ग है ये औषधियाँ होती हैं जो शारीरिक प्रतिक्रिया को शुरू करने के लिए ग्राही को उत्तेजित करती हैं या फिर सक्रिय करती हैं, ये कहलाती है एगोनिस्ट। ये प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल करके जो ग्राही होते हैं उसको सक्रिय कर देते हैं, और प्राकृतिक जो संदेश वाहक है वो रासायनिक संदेश वाहक की कमी होने पर ज़्यादा लाभदायक होते हैं। ये जो वर्ग है ये कहलाता है एगोनिस्ट प्रकार का। दूसरा जो वर्ग है वो है एंटागोनिस्ट। इस एंटागोनिस्ट वर्ग में हम देखते हैं कि ऐसी औषधियाँ जो ग्राही की सतह को किसी प्रकार से एक्टिवेट नहीं करती हैं या उस पर बिना कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न किए उसे घेरता है, इसे हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। ये ग्राही की सतह को बांधते हैं और उसके प्राकृतिक कार्यों पर बाधा डालते हैं, तो ये एगोनिस्ट द्वारा ग्राही को उत्तेजित होने से रोकता है। तो एगोनिस्ट ग्राही को उत्तेजित करता है और ये उस चीज़ को रोकने का कार्य करता है, एंटागोनिस्ट वर्ग की जो औषधियाँ होती हैं। अब हम ये समझेंगे कि अलग अलग वर्गों की जो औषधियाँ होती हैं उनका चिकित्सकीय प्रभाव कैसा होता है या कैसे उनको अलग अलग वर्गों में अलग अलग रोगों के लिए बांटा गया है और कैसे वो हमारे शरीर पर कार्य करती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रति अम्ल या एंट एसिड्स। जब हम कई बार तला भुना खा लेते हैं तो हमारे शरीर में एसिडिटी उत्पन्न हो जाती है, कई कारणों से, दूसरे अन्य कारणों से भी कई बार एसिडिटी उत्पन्न होती है। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो हमारे आमाशय में उत्पन्न जो अम्लीयता है उसको कम करें या अम्लीयता को उदासीन करें, तो जिस प्रकार की औषधि का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं प्रति अम्ल या एंट एसिड्स। ये किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं? जो स्टमक है, आमाशय है, उसमें अम्ल का बहुत अधिक उत्पादन होता है जब, तो इससे दर्द होती है, और बहुत अधिक जब दर्द होता रहता है, एसिडिटी हमेशा के लिए रहती है बरकरार, तो अल्सर का रूप ले लेती है, बहुत गंभीर अवस्था में चला जाता है हमारा स्टमक। तो बहुत अतिरिक्त मात्रा में जब गैस्ट्रिक अम्ल उत्पन्न होते हैं जिसके कारण पीएच का स्तर लगातार घटता जाता है, एसिडिटी बढ़ती जाती है, तो इस वजह से अल्सर उत्पन्न हो सकता है। ज़्यादातर जो एंट एसिड्स होते हैं वो दुर्बल क्षार होती हैं, जिसमें कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये सारे जो वर्ग हैं क्षार के, ये दुर्बल क्षार का वर्ग होता है। ज़्यादातर जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो आमाशय को क्षारी कर देते हैं और ज़्यादा फिर ये अम्ल के उत्पादन को प्रेरित करते हैं। तो इसका जो बेहतर इलाज है यानी एंट एसिड्स में आजकल धात्विक हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो धात्विक हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ये अघुलनशील होते हैं और पीएच की उदासीनता से आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो पीएच को उदासीनता से आगे नहीं बढ़ने देते यानी उसके बेसिक नेचर को थोड़ा सा कम करते जाते हैं, लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, कारण को नियंत्रित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एंट एसिड जो है वो कोई परमानेंट एक सॉल्यूशन नहीं होता है। जब ये रोग अल्सर का रूप ले लेता है तो यहाँ पर एकमात्र उपाय यही होता है कि उस जगह को निकाल दिया जाए। बहुत ज़्यादा एसिडिटी जब हो जाती है, जो कि आमाशय में पेप्सिन और HCl के निकलने को उद्दीपन करता है, उसको निकलने में मदद करता है, तो इसी आधार पर कुछ औषधियों को भी डिज़ाइन किया गया है। इसमें है सिमेटिडीन और रेनिटिडीन। तो इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये जो आमाशय की दीवार पर स्थित जो ग्राही है उसके साथ हिस्टेमिन की अन्योन्य क्रिया को रोकता है, इसकी वजह से जिससे जो अम्ल है HCl की मात्रा जो है वो थोड़ी कम मुक्त होती है
और यहाँ पर अति अम्ल की जो समस्या है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो औषधियों को इस तरह से सिमेटिडीन और रेनिटिडीन को डिज़ाइन किया गया है जो कि HCl के उत्पादन को कम करता है और एसिडिटी को कम करता है। यहाँ पर देखिए ये हिस्टामिन की संरचना और ये है सिमेटिडीन और रेनिटिडीन में भी देखिए बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो हिस्टामिन ही है और इसके बाद आगे की संरचना को डिज़ाइन किया गया है। अब हम देखेंगे प्रति हिस्टामिन वर्ग जो है औषधियों का ये क्या है। कुछ औषधियाँ होती हैं जो कि हिस्टामिन के प्रभाव को कम करती हैं, निष्क्रिय करती हैं, इन्हें हम कहते हैं एंटी हिस्टामिन या प्रति हिस्टामिन। ये शरीर के निश्चित कोशिका से मुक्त होने वाला एक ऐसा रसायन होता है जो कि एलर्जी अभिक्रियाओं में उत्पन्न होता है हिस्टामिन। तो हिस्टामिन वास्तव में बहुत प्रभावशाली एक वैसोडाइलेटर है और इसके अलग अलग कार्य हैं, जैसे श्वसन नलिकाओं में या आहार नाल की चिकनी पेशियों को ये संकुचित करता है। कई बार आप देखते हैं कि एलर्जी के कारण हम छींकने लग जाते हैं और बार बार छींकते हैं, यानी पेशियों में यहाँ पे संकुचन होता है और पेशियाँ जैसे कि रुधिर वाहिकाओं के दीवारों को भी ये नरम कर देती हैं। और जुकाम होने के कारण जो नाक है उसमें या नसिका संकुचन होने लगता है। कई बार हम फूल को सूंघने पर भी छींकने लग जाते हैं, तो इसके कारण होने वाली जो एलर्जी होती है इन सब का कारण भी ये हिस्टामिन होता है। ये प्रति हिस्टामिन वर्ग जो है वो हिस्टामिन के प्रभाव को कम करता है। तो प्रति हिस्टामिन भी एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शरीर से स्रावित होने वाले जो हिस्टामिन हैं उसके मुख्य कार्यों को ये रोकने का कार्य करते हैं, नष्ट करने का कार्य करते हैं, या प्रति हिस्टामिन के द्वारा एंटी एलर्जिक प्रभाव देखने को मिलता है, या प्रति हिस्टामिन जो है वो एलर्जी के प्रभाव को नष्ट करता है, समाप्त करता है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं प्रति हिस्टामिन के, वो है ब्रोमफेनरामिन का स्ट्रक्चर या जिसे डाइमेटेप कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर में आप देखिए कि इस तरह से एक पिरिडीन है, यानी यहाँ पर N जुड़ा हुआ है और इधर बेंजीन रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और इससे जुड़ा हुआ, इस N से जुड़ा हुआ ही है CH, फिर CH2, फिर N, और N से जुड़ा हुआ दो CH3 है और इधर से फिर जो ये CH वाला पोर्शन था यहाँ से एक रिंग जुड़ा हुआ है जो ब्रोमोबेंजीन का रिंग है। तो इस तरह से ये बन गया ब्रोमफेनरामिन या डाइमेटेप। यहाँ पर टर्फेनाडीन एक औषधि है जो कि प्रति हिस्टामिन के रूप में कार्य करती है, जिसे सेल्डेन के नाम से जाना जाता है। तो इसके स्ट्रक्चर में भी आप देखिए कि इस तरह एक पिरिडीन बना हुआ है और इसके पिरिडीन के ही पैरा पोजीशन पर इस तरफ से जुड़ा हुआ है दो फेनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। और इस प्रकार इस पिरिडीन की जो संरचना है इसमें आप देखिए यहाँ CH2, फिर CH2, फिर CH2 और CH के साथ जुड़ा हुआ है OH और OH के साथ जुड़ा हुआ है फिर एक इधर से एक रिंग बन गया है, बेंजीन रिंग बना हुआ है और इसके साथ जुड़ा हुआ है CH, CH3, CH3, CH3। तो ये बन गया सेल्डेन। ये जो प्रतिहिस्टामिन होते हैं ये आमाशय के अम्ल स्रावण पर प्रभाव नहीं डालते हैं क्योंकि ये एंटी एलर्जिक भी होते हैं और एंटा एसिड औषधि अलग अलग ग्राहियों पर ये कार्य करते हैं। कुछ अन्य जो प्रतिहिस्टामिन औषधियाँ हैं जो मार्केट में यूज़ की जाती है, जैसे बहुत कॉमन एक एंटी एलर्जिक दवाई है जिसको प्रत्येक व्यक्ति प्रयोग करता है, इसे कहते हैं एविल। एविल के अंदर होता है फेनिरामीन, प्रोमेथाजीन, ट्राइपोलिडीन और डाइफेनिल हाइड्रामीन। तो ये कुछ औषधियाँ हैं जो कि प्रतिहिस्टामिन की तरह प्रयोग में लाई जाती हैं। इसके बाद हम औषधियों के एक अन्य वर्ग के बारे में जानेंगे, ये है तंत्रिकीय सक्रिय औषधि। तंत्रिकीय सक्रिय औषधियाँ जो होती है इन्हें फिर से दो वर्गों में बांटा गया है। एक है प्रशांतक या ट्रैंक्विलाइजर्स और दूसरा होता है पीड़ाहारी या दर्दनाशी, जिसे हम एनाल्जेसिक वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रशांतक या ट्रैंक्विलाइजर्स। ये जो प्रशांतक होते हैं ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि चिंता, तनाव या मानसिक रोगियों के उपचार में प्रयोग में लाए जाते हैं, इसे हम प्रशांतक कहते हैं।
तो प्रशांतक जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि ये रोगी के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को डायरेक्ट प्रभावित करता है। चिंता है, तनाव है या उत्तेजना है, इन सब चीज़ों से मुक्ति दिलाता है। प्रशांतक को भी कई वर्गों में फिर बांटा गया है और ये रोगी की मनोदशा में परिवर्तन लाता है। और प्रशांतक को हम साइकोथेरापेटिक ड्रग के रूप में भी जानते हैं। ये जो प्रशांतक होते हैं इसे दो वर्गों में बांटा गया है। एक होता है सम्मोहक हिप्नोटिक और दूसरा होता है नॉन हिप्नोटिक असम्मोहक। तो पहले हम देखेंगे सम्मोहक प्रकार के जो ट्रांसक्विलाइजर्स हैं, प्रशांतक हैं, ये क्या कार्य करते हैं। सम्मोहक ऐसी औषधियाँ होती हैं जो कि बहुत अधिक हिंसात्मक या उग्र रोगियों के उपचार में प्रयोग में लाए जाते हैं। ये निद्राजनक होते हैं, यानी इनमें कुछ ना कुछ ऐसा मिला होता है जो कि नींद की दवाई के रूप में भी होता है, नींद भी दिलाता है मरीज को। क्योंकि ये बहुत अधिक उग्र रोगियों के, बहुत अधिक जब रोग बढ़ जाता है, बहुत अधिक तनाव चिंता से रोगी अवसादग्रस्त हो जाता है, ऐसे रोगियों को इस प्रकार के हिप्नोटिक दवाइयों को दिया जाता है। ये जो दवाइयों का समूह है, बारबिट्यूरेट्स का एक पूरा ग्रुप होता है जिसमें मुख्य जो मॉलिक्यूल होता है वो बारबिट्यूरिक अम्ल का होता है। तो बारबिट्यूरिक अम्ल की जो संरचना है वो आप देखिए, यहाँ पर रिंग जैसा बना हुआ है, लेकिन इसके अल्टरनेट पोजिशन पर सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ और सी डबल बॉन्ड ओ है, और इसमें जुड़ा हुआ है NH और ये NH। तो ये बारबिट्यूरिक अम्ल है। जितने भी ट्रैंक्विलाइजर्स हम देख रहे हैं बारबिट्यूरेट्स का, उसमें जैसे वेरोनल है, ल्यूमिनल है, आप सब में इस तरह की संरचना को कॉमन देखेंगे। तो जैसे वेरोनल की संरचना में हम देखते हैं कि इसी तरह का एक स्ट्रक्चर है, बारबिट्यूरिक अम्ल का ही एक स्ट्रक्चर है जिसमें अल्टरनेट पोजिशन पर सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ है और NH और NH है। और यहाँ पर आप देखिए सी डबल बॉन्ड ओ के ऑर्थो पोजिशन पर जुड़ा हुआ है C2H5 और C2H5, तो ये बन गया वेरोनल। इसी तरह से यदि हम नेमब्यूटन लिखते हैं तो नेमब्यूटल की संरचना में भी आप देखिए कि बारबिट्यूरिक अम्ल जैसा ही संरचना है, यहाँ भी अल्टरनेट पोजीशन पर सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ NH और NH है, लेकिन ऊपर की तरफ CH2, CH3 और यहाँ पर CH, CH3 और CH से जुड़ा हुआ ही है CH2, CH2, CH3, तो ये बन गया नेमब्यूटल। इसी तरह से ल्यूमिनल की संरचना में देखिए सी डबल बॉन्ड ओ, NH, सी डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ अल्टरनेट पोजीशन पर इधर से लेंगे तो सी डबल बॉन्ड ओ के अल्टरनेट पोजीशन पर NH है, फिर सी डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पर जुड़ा हुआ है C2H5 और यहाँ जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग। तो सभी में आप देखिए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बारबिट्यूरिक अम्ल का ही स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ ल्यूमिनल, नेमब्यूटल, वेरोनल, इन सब में हम देखते हैं कि बारबिट्यूरिक अम्ल का ही स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अगला है विसम्मोहक नॉन हिप्नोटिक। तो ये मंद दवाइयाँ होती है या इसे हम मंद प्रशांतक भी कहते हैं, जो कि डिप्रेशन को या हल्के तनाव को दूर करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ये निद्राजनक नहीं भी हो सकते हैं, कई बार होते भी हैं लेकिन प्रायः नहीं होते हैं। इसमें सेरोटोनिन या मेप्रोबेमेट आता है। अब हम कुछ नॉन हिप्नोटिक्स के उदाहरण में सबसे पहले हम देखेंगे क्लोर डाइजेपॉक्साइड। क्लोर डाइजेपॉक्साइड का स्ट्रक्चर जो है, इसमें आप देखिए कि चूँकि क्लोरीन शब्द है तो यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन का एक स्ट्रक्चर हो गया। क्लोरोबेंजीन में जो Cl है उसके मेटा पोजीशन से जुड़ा हुआ इस तरह से एक 5 सदस्यीय रिंग बना हुआ है, जिसमें हम देख रहे हैं कि इससे जुड़ा हुआ एक बेंजीन रिंग है, या इसको हम फेनिल ग्रुप भी कह सकते हैं, और इससे जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड N प्लस और O माइनस और यहाँ पर CH2, फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH है, फिर डबल बॉन्ड है और N, तो इस तरह से ये क्लोर डाइजेपॉक्साइड है। ये जो क्लोर डाइजेपॉक्साइड होता है ये वास्तव में तनाव को कम करता है। इसी तरह एक बहुत ही प्रसिद्ध औषधि है या जिसे नॉन हिप्नोटिक औषधि कहते हैं, वो है इक्वेनिल। तो इक्वेनिल का जो कार्य है वो डिप्रेशन को कम करता है और BP को भी कम करता है। इक्वेनिल की संरचना को अब हम देखेंगे। इक्वेनिल में देखिए NH2, COO, CH2, C, CH3,
सी के साथ जुड़ा हुआ है CH2, CH2, CH3 और इस सी से जुड़ा हुआ है CH2, O, CO, NH2। तो आप यहाँ पर देखिए कि एक एमाइड ग्रुप है CONH2 और यहाँ पर आप देखिए NH2, COO, CH2। तो दोनों तरफ से इसी तरह का एक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, COO और इधर भी COO। तो ये इक्विनिल का स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह एक और औषधि है जिसे मेप्रोबेमेट कहते हैं। मेप्रोबेमेट भी तनाव को कम करता है। मेप्रोबेमेट का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम देख रहे हैं NH2, COO, फिर CH2, CCH3, सी से जुड़ा हुआ CH3 और सी से जुड़ा हुआ ये CH2, CH2, CH3 और इस सी से जुड़ा हुआ है CH2, O, CO, NH2। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं एमाइड ग्रुप है। तो लगभग जो इक्वेनिल और मेप्रोबेमेट है इनकी संरचना में हम जो लास्ट वाला पोर्शन है वो लगभग एक जैसा ही होता है। इसका प्रयोग जो है बहुत अधिक टेंशन, बहुत अधिक जब डिप्रेशन होता है उसके नियंत्रण के लिए दिया जाता है। तो ये अवसाद मुक्त करने के लिए रोगी को विसम्मोहक जैसी नॉन हिप्नोटिक जो दवाइयां हैं उनको दिया जाता है। अब इस तरह की जो बीमारियां होती हैं वो वास्तव में किस तरह से होती हैं ये हम थोड़ा सा जानेंगे। तो नॉरएड्रेनालिन एक तंत्रिकीय संचारक होता है जो कि हमारे मनोदशा परिवर्तन पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ता है। यदि किसी कारण से हमारे शरीर में नॉरएड्रेनालिन का लेवल जो है वो कम होने लगता है तो व्यक्ति अवसादग्रस्त हो जाता है या डिप्रेशन हो जाता है उसके अंदर। तो ऐसी स्थिति में उसे एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां जो है वो दी जाती है, जिसे हमने ट्रांसग्विलाइजर्स के अंतर्गत हिप्नोटिक और नॉन हिप्नोटिक वर्ग में डिफाइन किया है। तो ये जो औषधियाँ हैं इनका कार्य होता है कि ये नॉरएड्रेनालिन के निम्नीकरण को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम को इनहिबिट करें, उनको संदमित करें, उनको रोके कि कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो नॉरएड्रेनालिन के स्राव पर बाधा डालते हैं। तो जब एंजाइम रोका जाता है तो महत्वपूर्ण जो तंत्रिकीय संचारक है वो धीरे धीरे अपचयित होता है और ग्राही को लंबे समय तक सक्रिय कर सकता है। और इस प्रकार ये जो दवाइयाँ हैं वो अवसाद या डिप्रेशन को कम करती हैं। यहाँ पर हम कुछ अन्य एंटी डिप्रेसेंट्स जो दवाइयाँ हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। ये है इप्रोनाइजिड और दूसरा है फिनेलजीन। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कैसे एक पिरिडिन स्ट्रक्चर है, फिर सी डबल बॉन्ड ओ यानी कि टोनिक स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा है, फिर NH, NH, CH, CH3 होल ट्वाइस। तो इस प्रकार से एक लंबा स्ट्रक्चर यहाँ भी देखने को मिलता है। दूसरा हम देख रहे हैं फिनेलजीन जिसमें एक बेंजीन रिंग है, फिर CH2, CH2, NH, NH2। तो इस तरह से फिनेलजीन का स्ट्रक्चर है। अगला हम देखेंगे दर्द निवारक या पीड़ाहारी या एनाल्जेसिक वर्ग के बारे में। तो कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि शरीर में दर्द को कम करने के लिए औषधि के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। इन्हें कहा जाता है दर्द निवारक औषधियाँ। अब ये जो औषधियाँ होती हैं ये भी हम देखते हैं दो प्रकार की है, नार्कोटिक्स और नॉन नार्कोटिक्स, हिंदी में कहते हैं स्वापक और अस्वापक। तो नार्कोटिक्स या जो स्वापक होते हैं ये ओपियम समूह के कुछ यौगिक इसमें होते हैं और जो दर्द को कम करने का कार्य करते हैं। दर्द को कम करने के साथ साथ ये निद्राजनक भी होते हैं और कई बार संज्ञान विहीनता को भी प्रेरित करते हैं यानी बेहोशी भी ला देते हैं। तो इसका उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि कोई रोगी करता है तो उसको इसकी लत पड़ जाती है। ये जो समूह है ओपियम का ये ओपिएट्स भी कहे जाते हैं और ये ओपिएट्स इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये ओपियम पॉपी यानी पोस्त से प्राप्त होते हैं, पोस्त पौधा होता है उससे ये प्राप्त होता है। ये जो दवाइयाँ होती है नार्कोटिक्स जो है ये दर्दनाशी ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा पीड़ा जब उत्पन्न होती है या कैंसर के रोगी जो कि अंतिम अवस्था में होते हैं जिनको असहनीय पीड़ा होती है उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रसव पीड़ा में आराम के लिए इसको दिया जाता है। इस तरह से ये दर्दनाशी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं लेकिन
इसका दुष्प्रभाव ये है कि ये व्यसनकारी भी होते हैं, यानी जैसा हमने देखा कि इसका प्रयोग यदि बहुत अधिक मात्रा में लोग करते हैं तो ये आदत बन जाती है और फिर ये कुछ अलग तरह का रोग, अलग तरह का प्रभाव शरीर के अंदर छोड़ने लगती है। इनके कुछ उदाहरण हैं मॉर्फिन, कोडीन, इन सब के बारे में हमने जाना ही हुआ है, लेकिन बहुत अधिक दर्द में इस तरह की दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ग है दवाइयों का अस्वापक या नॉन नार्कोटिक्स। ये जो दवाइयाँ होती हैं ये भी पीड़ाहारी होती हैं और दर्द निवारक होती है, लेकिन इनको लेने पर मरीज को इसकी आदत नहीं पड़ती, बल्कि ये आराम से दूसरे अन्य तरह के बीमारियों को भी साथ साथ ठीक करने का कार्य करता है, जैसे शरीर का तापमान बढ़ जाने पर उसके तापमान को कम करने का कार्य करता है, कई बार ये ब्लड प्लेटलेट्स के स्कंदन को रोकने का कार्य करता है। जैसे एस्प्रिन नामक जो दवाई है, इस एस्प्रिन का प्रयोग जो है वो रक्त के थक्के न बनने देने के प्रभाव के कारण ही इसका प्रयोग कई बार दिल के दौरे को रोकने के लिए एस्प्रिन को दवाई के रूप में दिया जा रहा है, क्योंकि एस्प्रिन के अंदर ये क्षमता होती है कि वो रक्त के थक्के को नहीं बनने देता है शरीर के अंदर। तो एस्प्रिन बहुत अधिक प्रचलित होने के कारण बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग भी होता है, लेकिन आजकल ये देखने को मिला है कि कुछ इसका लीवर पर विषैला प्रभाव भी है, और ये विषैला प्रभाव इसलिए है क्योंकि अमाशय के सैलिसिलिक अम्ल को ये जलपघटित कर देता है, और अमाशय के सैलिसिलिक अम्ल को जब ये जलपघटित करता है तो अल्सर का रूप ले लेता है, और कभी कभी जो अमाशय की दीवार है उससे रक्त का स्राव होने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि एस्पिरिन का प्रयोग खाली पेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाली पेट करने पर ये डायरेक्ट अमाशय पर इफ़ेक्ट डालता है और वहाँ से ब्लड का स्राव होने लगता है। तो यहाँ कुछ अन्य दर्दनाशक के बारे में हम जानेंगे, जैसे नेप्रोक्सेन, आइबुप्रोफेन। फिर इसमें हम एस्प्रिन के स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो बेंजीन के साथ देखिए COOH है, और इसके दूसरे कार्बन पर हम देख रहे हैं OCOCH3, यानी एसिटॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजोइक एसिड के साथ, तो इसका नाम होता है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल, जिसे हम एस्प्रिन भी कहते हैं। पैरासिटामोल भी एक दर्दनाशी के रूप में कई बार प्रयोग किया जाता है, ये बुखार तो कम करता है लेकिन दर्दनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, और कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे कि सोडियम डाइक्लोफेन, ये भी दर्दनाशक में बहुत अधिक उपयोग में लाया जाता है। अब हम कुछ ऐसे औषधियों के बारे में जानेंगे जो कि दर्दनाशी होते हैं, जैसे कि जो कि नॉन नार्कोटिक्स होते हैं, जैसे कि नोवाल्जिन। तो नोवाल्जिन जो है वो एक बहुत प्रसिद्ध दर्दनाशी होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है 5-सदस्यीय रिंग, जिसमें NN और N से जुड़ा हुआ है CH3, और इस N से जुड़ा हुआ है फिर C और CH कहेंगे, और CH से जुड़ा हुआ है CH3, और यहाँ पर C से जुड़ा हुआ है N, फिर CH3, फिर N से जुड़ा हुआ है CH2, फिर SO3 NA है, और यहाँ पर C=O। तो ये बन गया नोवाल्जिन। इसी प्रकार फिनेसिटीन होता है, फिनेसिटीन भी एक दर्दनाशी है, लेकिन फिनेसिटीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें बेंजीन रिंग है, OC2H5 है, और NHCOCH3 है। तो बेंजीन रिंग से ही जुड़ा हुआ जो NHCOCH3 है उसके पैरा पोजीशन पर ही जुड़ा हुआ होता है OC2H5। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। इसी तरह से एक बहुत प्रसिद्ध जो एक दर्द निवारक है, जिसे हम एस्प्रिन के नाम से जानते हैं, ये एस्प्रिन का जो कार्य है ये दर्द को भी कम करता है, बुखार को कम करता है, शरीर में होने वाले जलन को भी कम करने का कार्य करता है। तो एस्प्रिन के स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ COOH है, और इसके ऑर्थो पोजिशन पर जुड़ा हुआ है OCOCH3। तो ये बन गया एस्प्रिन। जो एनाल्जीन होता है, एस्प्रिन और एनाल्जीन दोनों को ही हम ज्वरनाशी और दर्दनाशी के रूप में प्रयोग करते हैं। तो जो ये एनाल्जीन है इसकी संरचना में हम देख रहे हैं कि एक बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ ही एक 5-सदस्यीय रिंग है। ये जो 5-सदस्यीय रिंग है इसमें हम देख रहे हैं एन है, और इसी से जुड़ा हुआ C=O है, और इस एन से जुड़ा हुआ ये एन है, और एन से जुड़ा हुआ ही यहाँ पर
है CH3 और ये CH3, और इसके साथ जो पांच सदस्य रिंग है यहाँ पे CH2, फिर CH2 और इस CH2 से जुड़ा हुआ C डबल बॉन्ड O, तो ये बन गया NL जीन का स्ट्रक्चर। NL जीन और एस्प्रिन दोनों ही ज्वरनाशी और दर्दनाशी दोनों की तरह कार्य करते हैं।